Subscribe now to receive new updates every day. टीम इंडिया के कोच के लिए 6 दावेदारों का इंटरव्यू आज, शास्त्री सहवाग दौड़ में आगे। भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच का फैसला आज हो जाएगा। टीम इंडिया के डायरेक्टर रहे रविवार शास्त्री का इस पोस्ट के लिए पल्लड़ा भारी माना जा रहा है, लेकिन उन्हें दिग्गज ओपनर रहे वीरेंद्र सहवाग से कड़ी चुनौती मिल सकती है। BCCI को चीफ कोच की पोस्ट के लिए 10 एप्लीकेशंस मिली हैं। रविवार शास्त्री, वीरेंद्र सहवाग, टॉम मूडी, रिचर्ड पायबस, डोडा गणेश, लालचंद राजपूत, लांस क्लूजनर, ओमान नेशनल क्रिकेट टीम के कोच रहे राकेश शर्मा, फिल सिमंस और उपेंद्र ब्रह्मचारी ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अप्लाई करने वाले 10 में से 6 लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। BCCI के सूत्रों के मुताबिक शास्त्री, सहवाग के अलावा मूडी, सिमंस, पायबस और राजपूत का इंटरव्यू होगा। क्लूजनर को स्टैंड अपाई में रखा गया है। हालांकि माना जा रहा है कि विराट के खास होने का फायदा रविवार शास्त्री को मिल सकता है। सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण और VVS लक्ष्मण की 3 मेंबर वाली एडवाइजरी कमेटी शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेगी। कोच के सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू दोपहर 1 बजे से होगा। इंटरव्यू 12:30 बजे से होना था, लेकिन लंदन में मौजूद सचिन ने वहां के वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद हो पाने की रिक्वेस्ट की थी। 2019 वर्ल्ड कप तक रहेगा नया कोच। नए कोच से 2 साल का एग्रीमेंट किया जाएगा, जो 2019 वर्ल्ड कप तक के लिए होगा। बता दें कि अनिल कुंबले के इस्तीफा देने के बाद यह पोस्ट खाली हुई थी। पहले कुंबले ने भी अप्लाई किया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक लेटर में कप्तान विराट कोहली के साथ रिश्तों में खटास जाहिर कर खुद को इस दौड़ से हटा लिया था। बोर्ड ने इसके बाद अप्लाई करने की तारीख 9 जुलाई तक बढ़ा दी थी। कुंबले ने क्या लिखा था लेटर में? कुंबले ने हेड कोच की पोस्ट से इस्तीफा देने के बाद ट्विटर पर एक थैंक यू लेटर पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने बीते 1 साल में टीम इंडिया के अचीवमेंट्स का क्रेडिट कैप्टन विराट कोहली और उनके प्लेयर्स को दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे पहली बार BCCI की तरफ से बताया गया कि कैप्टन विराट को मेरी स्टाइल और हेड कोच के तौर पर मेरे टीम में बने रहने पर इतराज था। भारतीय नहीं तो मूडी हो सकते हैं कोच। अगर कमेटी ने कुंबले के साथ टीम के खराब एक्सपीरियंस को देखते हुए भारतीयों को दरकिनार किया तो बाजी टॉम मूडी के फेवर में जा सकती है। मूडी इंटरनेशनल लेवल पर काफी कामयाब कोच माने जाते हैं। समझा जाता है कि बोर्ड की तरफ से कमेटी को साफ मैसेज है कि कोच वही सिलेक्ट किया जाना चाहिए जिसके साथ काम करते हुए कप्तान और टीम को कोई परेशानी न हो। सचिन, सौरव, लक्ष्मण ने की थी सुलह की कोशिश। बताया जाता है कि लंदन में जब टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही थी, तब सचिन, सौरव और लक्ष्मण की एडवाइजरी कमेटी ने कोहली कुंबले के बीच गलतफहमी दूर करने की काफी कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। एक बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली से कुंबले के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने किसी भी तरह की अनबन होने से इनकार किया था। 26 जुलाई से श्रीलंका दौरा। वेस्टइंडीज दौरे के बाद टीम इंडिया को 26 जुलाई से श्रीलंका टूर पर जाना है। इसी वजह से 10 जुलाई को टीम का कोच चुन लिया जाएगा। श्रीलंका में टीम इंडिया 3 टेस्ट, 5 वनडे सीरीज और 1 T20 मैच खेलेगी। ये टीम इंडिया का काफी लंबा दौरा होगा जो 26 जुलाई से 6 सितंबर तक चलेगा। शास्त्री का दावा इसलिए मजबूत, कप्तान विराट कोहली के साथ अच्छे रिश्ते। एडवाइजरी कमेटी के मेंबर सचिन ने दी थी अप्लाई करने की सलाह। शास्त्री ने कहा था, सिलेक्शन पक्का हो तभी करूंगा अप्लाई। पिछले साल कोच की पोस्ट के लिए कुंबले के बाद शास्त्री दूसरी पसंद थे। टीम इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं, गांगुली खड़ी कर सकते हैं मुश्किल। शास्त्री के सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा सौरव गांगुली बन सकते हैं। पिछले साल इंटरव्यू की प्रोसेस के बाद से दोनों के रिश्ते काफी खराब हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए थे। वीरू भी रेस से बाहर नहीं। बोर्ड मेंबर से मजबूत संकेत पाने के बाद किया था अप्लाई। एडवाइजरी कमेटी के तीनों मेंबर्स के चहेते हैं। भारतीय टीम के ज्यादातर प्लेयर्स के साथ अच्छे रिश्ते हैं। IPL में किंग्स 11 पंजाब के मेंटर रह चुके हैं। अपने विचार दूसरों पर थोपते नहीं हैं। बड़बोलापन बड़ी दिक्कत। सहवाग की सबसे बड़ी दिक्कत उनका बड़बोलापन है। विपक्षी टीमों के लिए दिए उनके बयान और विवादित ट्वीट से कई बार भारतीय टीम और उसके खिलाड़ियों पर दबाव बन जाता है। Thank for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment.